गुड इवनिंग दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आई एक जॉब के बारे में जानेंगे, जिसके अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है और कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं और किस डिपार्टमेंट की ये जॉब है, तो मैं पूरा इस वीडियो में जानने वाला हूँ। तो इसके बता देता हूँ कि टोटल पोस्टें हैं वो 1327 पोस्टें हैं। और उससे पहले बता दूँ दोस्तों कि चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास आए बेल आइकन को प्रेस करें और कोई भी आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो दोस्तों। और इस वीडियो में पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ, आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो ये जॉब है वो HSSC के अंदर आई हुई रिक्वायरमेंट है, जो कि कैनल पटवारी और ग्राम सचिव वैकेंसी हरियाणा के अंदर आई है, यानी कि इसकी जॉब लोकेशन है वो हरियाणा होगी। इसकी जो पोस्टें हैं वो 1327 पोस्टें होंगी। तो चलिए इसके फॉरम की डेट के बारे में बात करते हैं। तो इसके जो इम्पोर्टेंट डेट है, तो यहाँ से फॉरम ऑनलाइन स्टार्ट होंगे तो वो कल से यानी कि 23 मार्च 2019 से स्टार्ट होंगे, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 21 अप्रैल 2019, यानी कि पूरा एक मंथ पूरा पड़ा है। तो आप अप्लाई कर सकते हो, और इसके जो लास्ट डेट है यानी कि मतलब है फॉरम 21 को अप्लाई हो गया तो फीस इसकी 23 से कर सकते हैं। तो इसकी जो लास्ट डेट है मेन तो 21 ही होगी। अब बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए कि इसके अंदर कौन सी वैकेंसी है। टोटल पोस्ट संख्या मैंने बता दी 1327 है। एक है यानी कि कैनाल पटवारी की, कैनाल पटवारी के अंदर है तो 892 पोस्ट है, जो इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट हरियाणा के अंदर है। और आगे भी सेकंड है विलेज सेक्रेटरी, यानी कि विलेज सेक्रेटरी है, उसकी पोस्टें हैं वो 435 है। तो टोटल हो गई 1327 हो गई, जो डेवलपमेंट एंड पंचायती डिपार्टमेंट हरियाणा के अंदर पोस्टें हैं। और ये यानी कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, तो कैनाल पटवारी के लिए मैट्रिकुलेशन होना जरूरी है, और इसके विलेज सेक्रेटरी के लिए मैट्रिकुलेशन या हाई सेकेंडरी या 12th पास होना जरूरी है, यानी कि 12th पास वालों के लिए ये वैकेंसी है। बहुत अच्छी वैकेंसी है दोस्तों, तो इसको अप्लाई ज़रूर करना। और चलिए अब एज लिमिट के बारे में बात करते हैं। तो एज लिमिट है वो 18 से 42 ईयर होगी, और यानी कि कैनाल की और विलेज की बात करें तो 17 से 22 होगी। तो इसमें 17 बोला गया है, तो बाकी एग्जाम के लिए 18 होती है, लेकिन 17 वाला भी अप्लाई कर सकता है। अब पे स्केल की बात करें तो पे स्केल है 5200 से 20200 होगा, 1900 ग्रेड पे होगा, तो लगभग 7000 ग्रेड पे होगा, यानी कि 7500। अब बात करें फीस की, तो फीस है इसके लिए यानी मेल फीमेल जनरल वालों के लिए 100 रुपये, और वुमेन के लिए यानी कि अगर ये अदर वालों के लिए है और अगर हरियाणा में वुमेन है तो हरियाणा के वुमेन के लिए 50 रुपये हो गए। आगे SC ST ये जनरल और OBC वालों के लिए दोनों के लिए सेम ही है यहाँ पे। अब SC ST के लिए 25 और SC BC ये अलग अलग फीमेल आती है, उनके लिए 13 रुपये होंगे, मेल के लिए 25 और फीमेल के लिए होगा। अब आगे बात करते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की, तो यहाँ पे मैं आपको साइट दे दूँगा, तो साइट से सॉरी दोस्तों। तो चलिए इसमें बता देता हूँ कि आप लोगों को अप्लाई करना है तो यहाँ से नोटिफिकेशन चेक कर सकते हो, क्लिक हर पे यहाँ पे अपना यानी कि करके कर सकते हो। अब इससे संबंधित कोई भी आपके मन में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, और इससे पहले मैंने काफ़ी वीडियो बना रखी है तो उसका लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वीडियो जाके देख सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फिर से कहता हूँ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।